हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं, रुक जा, आगे मत बढ़ना। मैं कूद जाऊंगा मैं। अरे यार, ये भी कोई बात हुई है? कौन 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 तंग कर रहा है तुमको? मुझे बताओ कौन तंग कर रहा है? पास मत आना, मैं कह रहा हूँ मैं जान दे दूंगा। नहीं नकुल, देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं। है? नहीं, तुम लोग मुझे मार दोगे तुम लोग मुझे। अरे यार, ये भी कोई बात हुई? कहाँ से मार देंगे? हाथ खाली है मेरे, ये देखो। जा यार, हाथ दिखा देना इसको। ये देखो। तुम लोग मुझे मार डालोगे, मुझे। ड्रामा कर रहा है ये। एक बार इसकी गर्दन हाथ में आ जाए फिर दिखाता हूँ इसे। नकुल, प्लीज नकुल आज। आगे मत बढ़ना। सर फोड़ दूंगा मैं सर। नकुल देखो, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। रोड पे आर्किमिडीज ने कहा है, जब तक बॉटल पानी से ना भरे किसी लड़की से प्यार मत करना। सर फोड़ दूंगा। आगे बढ़ेगा तो गोली मार दूंगा। गोली चलाएगा ये रॉडी जेफेक। सर फोड़ दूंगा तुम दोनों का। रॉडी जेफेक मारूंगा। नकुल चुप। मारूंगा मैं इनको। रॉड फेंक दो नकुल, रॉड फेंक दो। सर, ये लोग मुझे मार रहे थे। सर मार रहे थे। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सर इसे छुपाइए मत सर, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। दया, मैं इसे संभाल लूंगा। सर ये कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं करेगा ये मुझे, कुछ नहीं करेगा। नकुल, कुछ नहीं करोगे ना तुम मुझे? कुछ नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा सर, कुछ नहीं करूंगा। देखो यार प्रद्युमन, मैं सीआईडी के हर रोज के मामले में दखल नहीं देना चाहता। मैं तो बड़े बड़े केसे। दखल नहीं देना चाहते सर, तो फिर आप अचानक यहाँ पर कैसे? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम एक क्रिमिनल को गले लगाने पे तुले हुए हो। मैंने गले लगाया ये क्रिमिनल को? ये सर, वो आपके ऊपर हमला कर सकता था। मगर मारा तो नहीं ना? हाँ देखो, कुछ किया है उसने। अरे मगर उसे अरेस्ट करने से रोका क्यों? क्योंकि ये लोग उसे मारने वाले थे, इसलिए। हम लोग मारने वाले थे? हाँ, तुम मारने वाले थे। ये क्या कह रहे सर? हाँ सही कह रहा हूँ मैं दया, एक बच्चे पर गन निकालने की क्या जरूरत थी? मेरे सर पर रॉड मारने वाला था सर वो। सर आप बिना बात पे हम पे शक कर रहे हैं, और सर उसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? हाँ उसे बचाने की क्या जरूरत थी? अच्छा। हाँ प्रद्युमन, तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि नकुल नाम का हर आदमी तुम्हारा बेटा नहीं होता है। हाँ, नकुल नाम का हर आदमी मेरा बेटा नहीं होता, मगर नकुल नाम का हर आदमी एक क्रिमिनल भी नहीं होता, समझे सर? तुम्हारे बेटे जैसा। हाँ मेरे बेटे जैसा है नकुल, जिसने जिंदगी भर के लिए नकुल नाम के शब्द पर धब्बा लगा दिया। दुश्मन के चेहरे पे कुछ लिखा नहीं होता है, ना वो किसी का बेटा होता है ना वो किसी का भाई, दुश्मन दुश्मन ही होता है। लेकिन एक बात मत भूलना सर,
और तुम दोनों भी सुन लो, इन्हीं हाथों से मैंने अपने बेटे को गोली मारी है, इन्हीं हाथों से। इस दुनिया से क्राइम को जड़ से मिटाने की धुन में कभी पता ही नहीं चला कि कब मेरा बेटा गुनहगार बन गया। जब मैंने उस पर गोली चलाई तब मेरी आंखें खुली। हर पुलिस वाले को अपनी फैमिली की तरफ देखना भी चाहिए। सब ठीक है, मगर नकुल को क्यों बचा रहे हो? आपको पता नहीं चित्रोले साहब वो किस हालत में हमें मिला था? क्या हुआ भाई? क्या चलो ना यार, क्या चलो ना, 20-25 मिनट हम चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। अबे बताएगा क्या नहीं कितनी दूर जाना है? देखो पास में ना मेरे दोस्त का फार्म हाउस है। तो अपने दोस्त का फार्म हाउस दिखाने के लिए मुझे इतनी रात को यहाँ लेकर आया है? बात पूरी सुन लो ना यार। तुम बता। देखो उस फार्म हाउस पे एक अजीब किस्म का फूल खिलता है जो बहुत रेयर मिलता है और 6 महीने में एक बार खिलता है। 6 महीने में एक बार? तू कहीं ब्रह्म कमल की तो नहीं बात कर रहा? हाँ यार। तो चल जल्दी सालों के, तो ज्यादा देर तक खिलते नहीं रहता। चल जल्दी आ जाओ। वही तो मैं बोल रहा हूँ यार। हाँ। चलो एक मिनट। क्या हुआ? बस वहां पर कोई है। कहाँ? ये देखो वहां पर। अरे यार ये तो सुसाइड करने वाला है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? देखो इसके कपड़ों पर तो खून लगा है। क्या किया है तुमने? तुमसे पूछ रहे हैं। जूता खो गया मेरा। आपने देखा? नहीं। जूता खो गया मेरा। घूमने गया था, वापस नहीं आया, खो गया। तू यहां क्या कर रहा है? हाँ जा जा, ढूंढ के लेकर आओ उसे, जा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ और ये खून कैसे आया तुम्हारे शरीर पर? साफ करो खून। अरे क्या? माय गॉड। अच्छा दया, मुझे इन्फॉर्म करते रहना, ओके? हाँ बस तारिका का फोन आया था। हाँ उसने बताया कि इस लड़की के कपड़ों पर जो खून था वो 3 अलग-अलग लोगों का खून था। अभी फोन था, कह रहा था कि दाना नगर कॉलोनी में 3 लोगों का खून हुआ है। एंगर तुम्हें होश आ गया? अब कैसे हो? कहाँ हूँ मैं? तालाब के पास मिले थे। सीआरडी से एसीपी साहब तुम्हें हॉस्पिटल लेके आए। किशन को होश आ गया, अब आप बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, आप लोग मुझे यहाँ लेके आए। अब ठीक हो ना? अच्छा एक बात बताओ, इतनी रात गए तुम लेक पर क्या कर रहे थे? क्या आत्महत्या करने की सोच रहे थे क्या? तालाब? आत्महत्या? हाँ मैं तो परिवार के साथ कुमकुम की बहन की शादी पे गया था। शादी में गए थे? अच्छा, क्या नाम क्या है तुम्हारा? रहते कहाँ हो? नाम क्या नाम है? नकुल। नकुल? मैं रहता हूँ C 809
ताना नगर कॉलोनी। ताना नगर कॉलोनी, घर में कितने लोग हैं तुम्हारे? परिवार। जरा पलटा ना इसे सर, आराम से। सर, बेचारी जवान लड़की का खून हो गया। ये शायद इनके डैडी हैं। सर ये निशान, सर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ। और ये देखो, खाली पैर के निशान है, नंगे पांव, जूता नहीं पहना हुआ। सर हो सकता है ये निशान पूनी के पैरों के हो। शायद, लेकिन पूर्वी अगर ऐसा है तो बड़ी अजीब बात है। पूनी बाहर भागने की वजह है ऊपर की तरफ भागा और यहाँ पे आके इस बेचारी औरत को मार दिया। इस घर में तीन खून वैसा है पर किसी ने भी अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। हो सकता है दया, खूनी भी दो तीन लोग होंगे। सर पूरे घर में हथियार कहीं नहीं मिला। सर लगता है खूनी हथियार अपने साथ लेके गया। और हथियार भी ऐसा वैसा नहीं दया, कोयता है कोयता। ये देखो, कोयते का भरपूर वार इनकी गर्दन पर, यहाँ और उस लड़की के लिए। ये देखो, कोयते की नोक अंदर तक घुस गई है, तीन चार इंच का तो होगा। कोयते का सीधा बीच का हिस्सा पड़ा है इनके जब्ते में। और जोर से मारता तो कंधा अलग हो जाता। हे भगवान, ये क्या हुआ? इतना सारा खून। सर एक लाश वहां ऊपर भी है, खूनी यहां से गया सर और ऊपर जाकर उस बेचारी औरत को हम आ गया। लगता जहां पर खड़े थे वहीं पे खून हुआ। हाँ सर, पूरे घर में लाश को घसीटने का कहीं कोई निशान नहीं है सर। बस मुझे लगता है इन लोगों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। तो फिर निशान भी एक ही आदमी का है। हाँ सर। नकुल जरा इधर आओ बेटा। नहीं सर, मैं इतना खून नहीं देख सकता सर। भैया इस नकुल के कपड़ों पर जो खून था ना, वो तीन अलग अलग लोगों का खून था, तीन किस्म का खून। यहाँ पे भी तीन खून हो गए, कहीं इसी ने तो नहीं? हो सकता है। अब देखो तुम कैसे मुंह खुलवा सकते हो इसका। नकुल तुम्हें पहचानना होगा, देखो जरा पहचानते हो। नहीं सर। एसीपी साहब ने क्या कहा तेरे समझ में नहीं आ रहा? हाँ, अलग से समझाना पड़ेगा। आगे आके देखो जल्दी। ध्यान से देखो, पहचानते हो उन्हें? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। हम लोग सब शादी में गए, पता नहीं क्या हो गया। जरा इनको देखो, ये आई थी शादी में? हाँ, ये भी थी वहां। प्रिया, 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 प्रिया। नकुल, क्या ये प्रिया इनकी बेटी थी? सूरज की जब पहली किरण निकलती है ना, नरम नरम खून निकलता है। ये कहाँ गया भाई? हरी हरी चिड़ियां जब बोलती है, नीली नीली हवा फैलती है। सर, डिस्टर्ब बिहेवियर है। लगता तो यही है। सर, ऊपर वाली लाश भी दिखा देता हूँ इसे। चलो। ये जो लाल रंग का खून होता है ना, 32 ग्राम का होता है। इसे कोई कोई लोग उठा सकते हैं,
लेकिन जो हरा और नीला रंग होता है ना, इसे कोई भी नहीं उठा सकता, कोई भी नहीं। तूने तूने कितना काम किया, कर लो। और से एक लगाऊंगा, हरा पीला हो जाएगा खुद। ये तो बाइपोलर है, एक ही शख्स में दो दो आदमी। आपने कभी पीले रंग की खुशबू सुंघी है? जब पीले रंग की खुशबू फैलती है ना, हर कोई ठीक हो जाता है। हेमोग्लोबिन इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड एटम्स ऑफ क्लोरोफिल। उर्वी, इसे ऊपर वाले कमरे में लेकर जाओ। चल। इसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था, वो इन सबको जानता है, इसी ने मारा है सर। गया, मेंटली डिस्टर्ब्ड है ये, दिमागी हालत ठीक नहीं है सर। सर ये कुमकुम जी हैं, पड़ोस में रहती हैं, इन्हीं के यहाँ शादी थी जिसमें ये लोग और नकुल गए थे, और ये चेतन जी हैं जिन्होंने हमें फोन करके बुलाया। जी सर, मेरे सामने से ही भागा था वो। तुमने देखा उसे? दिखता कैसे था? गोरा चट्टा था, आंखें बड़ी बड़ी थी और उसकी हरकतें कुछ पागलों जैसी थी सर। और कुमकुम, क्या तुमने देखा उसे? नहीं सर, हम लोग तो शादी में ही थे सर। नकुल आया था वहां पे? हाँ, हाँ, सर एक मिनट। हाँ सर, ये देखिए, रात के 11:30 बजे तक वो लोग शादी में ही थे, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग कब गए, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता सर, क्योंकि मैं तो वहीं रह गई थी। चेतन, देखो जरा, क्या वो है इसमें? यही था सर, बिल्कुल यही था। मैंने कहा ना सर, नकली है वो। सर आप रेडी, इसके प्रिंट्स निकालो। रेडी, क्या हुआ फिर? सर ये देखिए जूते, बड़े अजीब जूते हैं सर। मेरे ख्याल से ऐसे जूते तो डांस या ड्रामा में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं इन जूतों का खून से कोई कनेक्शन तो नहीं है? सर मुझे 5 मिनट दीजिए, इस नकुल की गर्दन ऐसे मरोड़ूंगा, सब कुछ सच सच बता देगा वो। क्या गर्दन मरोड़ो? हर बात पे गर्दन मरोड़ कर सच उगलवाओगे? अरे बच्चा है वो, बच्चा नकुल। मेंटली डिस्टर्ब्ड है वो, समझदारी से काम लेना पड़ेगा उसके साथ। गर्दन मरोड़ना हर बात पे अच्छी बात नहीं। नकुल के पड़ोसी ने बताया ना कि वो नकुल ही था जो घर से बाहर भाग रहा था, और तुमने और सालुंखे ने भी देखा है कि उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था कि नहीं। अरे जिस घर में 3-3 खून हो गए हो, वहां से एक आदमी भाग रहा है, तो वो क्या वहां से पूजा करके जा रहा है? कुछ तो किया ना उसने वहां पे। सर उसे दिख रहा है कि आप कुछ कह नहीं रहे, इसीलिए आपसे चिपके जा रहा है सर वो। सर आप कुछ पतले से दिख रहे हैं। ऐसे पे प्रद्युमन बदल गया है। जिस आदमी के बारे में कहा जाता था कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, मगर प्रद्युमन नहीं बदल सकता, तो हो गया ना। एक सिर्फ एक इंसान ही निकला, एक मामूली सा इंसान बनना ही अच्छा है सर। किसी बेगुनाह को फांसी पर चढ़ाने से बेहतर है कि एसीपी प्रद्युमन एक मामूली सा इंसान ही बना रहे। अरे कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने जिस आदमी को पकड़ा है वो बेगुनाह निकला है, हुआ है ना ऐसे? नकुल के दिमाग में एक तूफान आया हुआ है, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जिस वक्त खून हुआ उस वक्त वहां पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और कौन था वहां पर, वो कुछ नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। तो क्या करूं? उसे बहला फुसलाकर हमें इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, डराकर धमकाकर नहीं। और फिर तुमने देखा है, तुम भी तो थे वहां पर।
तक जूते में मुंह ना दिखे ना, तब तक कॉलेज करते रहना। सर, सर इसने पर्दा फाड़ दिया और कब से फर्श साफ कर रहा है। मैंने भी इसे रोकने की कोशिश की सर, मगर चाचा जी ने कहा था जब तक जूते में मुंह ना दिखे ना पॉलिश करते रहना। चाचा जी ने कहा था जब तक जूते में मुंह ना दिखे ना तब तक पॉलिश करते रहना। तुम्हारे चाचा जी की मौत हो गई है। चाचा जी बहुत खतरनाक आदमी था सर। चाचा जी को बहुत जोर की मारा, बहुत खून निकला चाचा जी। कौन था वो? प्रिया, प्रिया को भी मारा, बहुत बहुत खून निकला। बस जल्दी से पूछ लो इससे जो पूछना है, इससे पहले कि ये किसी और रूप में चला जाए। चाचा जी। नकुल, कौन था वो? कौन था बता। उसके जूते पे खून लगा था, खून लगा था। मैं तो साफ करा था, साफ करा था। मैं था कौन वो है बता। चाचा जी चाचा जी जी क्या हुआ इसे? नकुल, 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 बॉस इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। फिर इसके दौरे का इलाज है मेरे पास। दया, इससे पहले कि अपनी जबान काट ले तो उसमें कुछ करना पड़ेगा। सर ड्रामा कर रहा है सर ये। दया जरा चुप रहो। नकुल, नकुल, टेंशन से इसके दिमाग की नसें फट सकती है। यार तो कुछ कर नकुल। ऐसे नहीं मारेगा। दया, 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 क्या कर रहे हो तुम? चाचा जी ने कहा था जब तक जूते में मुंह ना दिखे पॉलिश करते रहना। सर दरवाजे के बाहर हमें जूते मिले हैं। हाँ मगर क्या ये इसके जूते हैं? क्या मालूम सर। पांचवा भी ये बात पहले क्यों नहीं सूझी हमें? ये बात पहले समझ में आनी चाहिए थी ना यार। सब वहाँ पे पांचवा आदमी भी था। हाँ 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 तारिका, हाँ दरवाजे पर जो उंगलियों के निशान है ये किसी और के, पांचवे आदमी के। सर ये निशान नकुल के नहीं है। तारिका, जो दरवाजे पर पूरे हाथ के निशान है ये तो नकुल के हैं, लेकिन नौ पर जो ये उंगलियों के निशान है ये किसी और के, पांचवे आदमी के। पिछले, अरे यार ये पिछले दरवाजे में आग लगा दी है यार, दिमाग भरना गया यार मेरा। यार क्या हुआ सर आपको, क्यों बिलबिला रहे हैं? अरे देखो ना तारिका, खून हुए घर में, लाशें पड़ी हुई हैं घर के अंदर, लेकिन सबूत मिलते हैं दरवाजे पर, घर के पिछले दरवाजे पर। दरवाजे की नोक पर जो निशान है उस पर कुछ नहीं है, साफ है, और दरवाजे पर जो उंगलियों के निशान है जो नकुल के हैं उस पर मोबिलाई लगा हुआ है। इसका मतलब
नकुल के हाथ मोबिल ऑयल से सने हुए थे, लेकिन जो नोट पर जो उंगलियों के निशान है वो खाली। मतलब साफ है कि नकुल से पहले कोई और आदमी घर में घुसा हुआ था। लेकिन सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखो तारिका, बंद दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे को नॉब को पकड़ के घुमाना पड़ता है। अगर नकुल ने दरवाजा खोला होता तो नॉब पर नकुल की उंगलियों के निशान होते, मोबिल ऑयल भी होता, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब किसी और ने नॉब पकड़ के दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। इसीलिए मैं कहता हूँ नकुल के आने से पहले कोई और आदमी घर के अंदर मौजूद था। तो इसका मतलब जब नकुल घर आया तो ये तीनों खून हो चुके थे? शायद ये तीनों खून हो चुके थे। पर हाँ, ये जूता क्या बोलता है? सर ये जूते इन तीनों में से किसी के नहीं है। नकुल के भी नहीं? नहीं सर, दया ने नकुल की गर्दन पकड़ के उसे ये जूते पहना कर देखे थे। इसका मतलब ये जूते उसी पांचवें आदमी के, खूनी के। नकुल, तुम्हें अपने दोस्तों पे विश्वास है? नहीं। क्या तुम अकेले रहना पसंद करते हो? हाँ। क्या तुम्हें हर किसी पर शक रहता है? हाँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि सब पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते रहते हैं? पीछे पड़े रहते हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता मुझे। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें कैसा लगता है? गुस्सा आता है मुझे, सब झूठे नकली है, सब नकली। अच्छा, तुम्हें जानवरों से प्यार है? तुम्हें जानवरों से प्यार है? नफरत है मुझे जानवरों से, जानवर भी मेरे पेट में बातें करते हैं। पहली बार देखा मेरा आदमी जानवरों से इतनी नफरत करता है। शांत हो जाओ, सीधे पैर चलो, सीधे। नकुल, इस गोल बिंदु को लगातार देखो। एक एक शब्द बोलती जाऊंगी, तुम जवाब देते जाना। पीला रंग, खून। पीला रंग कहा ना, खून। लाल रंग शांति, प्यार, नफरत, पानी, आग, पानी, आग, आग, खून, खून। क्यों बड़ा मेरे पीछे सिंबा? क्यों मेरे पीछे बड़ा? छोड़ा मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे सिंबा, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ा मुझे। सॉरी डॉक्टर, हमें लगा था कि आपको अंदाजा है। इट्स ओके। माफ करना, हमें पास में ही रहना चाहिए था। कोई बात नहीं, देखिए एक चलता फिरता बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। इससे प्यार से पेश आइए, और हाँ, इसे किसी शांत जगह पे रखिए, सीआईडी ऑफिस में नहीं। ये देखो, देखो सालूखे ने दिखा दिया ना अपना कमा, वहां पर एक पांचवा आदमी भी था, पांचवा आदमी आ। अरे मैं कब से तुम लोगों को कह रहा हूँ कि बिना सबूत के उस नकुल पर शक मत करो, मत करो शक, मगर नहीं, तुम लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं। वो चित्रों ने, वो तो कहते कि मेरे दिमाग पर मेरे बेटे के नाम का सबूत सवार हुआ। अरे
तुम लोगों से जिंदगी तो ज्यादा मैंने देखी है। बीमार आदमी की दवा दारू नहीं करनी चाहिए क्या? उसे बिना सबूत के जेल में डाल दोगे? डॉक्टर सालूम की और तारिका से गलती भी तो हो सकती। अच्छा, कैसी गलती? जरा मैं भी तो सुनूं, बता। सर, सालूम साहब का कहना है कि कोई पांचवा आदमी था जो खूनी है। सर, बिना साइंटिफिक सबूत के वो कैसे कह सकते हैं कि वो पांचवा आदमी नकुल से पहले आया, सबको मार के चला गया? बात तो सही लगती है सर। ये हो सकता है सर कि वो पांचवा आदमी नकुल के साथ में घर में आया होगा, सबको मारा, वो भागा पीछे से और नकुल अगले दरवाजे से भागा। दया, हर बात ये हो सकता है, वो हो सकता है, जैसी नहीं होती। सर, ये हो सकता पे तुम्हारी सारी जिंदगी अटकी हुई। हर केस में 50 बार बोलते हैं सर हम लोग कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। मगर अभिजीत, इस केस में बहुत से सबूत अभी भी हवा में उड़ रहे, हवा में। अरे, वो खून भरे पैरों के निशान किसके थे ये पता लगाया नहीं? फिर वो दो जूते वो किसके है ये भी तो पता लगा? जब ये पता चल जाएगा तब पता चलेगा कि नकुल ने खून किया है या नहीं। नकुल, घर जा रहे हो ना? अभी नहीं। घर जा रहे हो ना? अभी नहीं, पहले कुछ खा लो, तुम्हें दवाई देनी है। ये क्या है? जहर? तो मुझे मारना चाहते हो? तुमने चाचा जी को मारा, चाची जी को मारा, प्रिया को मारा, और अब मुझे मारना चाहते हो? क्या खून? किसका खून है ये? ये खून नहीं, सूप है नकुल। नहीं चाहिए मुझे! चाचा जी ने मुझे बोला था तुम मुझे मारने आओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगा, नहीं मारने दूंगा, नहीं मारने दूंगा। अमित, क्या हुआ? ये नकुल का है? सर, वो अभी इधर भागा। छत पे भागा? नहीं! नकुल, नहीं, नकुल, रुक जा। नहीं! तुम लोग मुझे मार दोगे। अरे यार, ये भी कोई बात हुई? कहां से मार देंगे? हाथ खाली है मेरे, ये देखो। आगे मत बढ़ना। सर, फोड़ दूंगा मैं सर। आगे बढ़ेगा तो गोली मार दूंगा। गोली चलाएगा? ये रॉडी से फेंक। सर, फोड़ दूंगा तुम दोनों का। रॉडी से फेंक। मारूंगा। नकुल, नकुल नहीं, 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 नकुल। चुप। मार दूंगा मैं इनको। रॉड फेंक दो नकुल, नकुल, रॉड फेंक दो, फेंक दो। सर, ये लोग मुझे मार रहे थे सर, मार रहे थे। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सर, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि उस घर में वो पांचवा आदमी कौन था, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि वो खून भरे पैरों के निशान किसके थे, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि वो जूते किसके थे, तब तक नकुल के साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। अरे, सुन लिया? नकुल ये बता सकता है कि वहाँ पे क्या हुआ, और नकुल के साथ ही छेड़छाड़ मत करो। तो फिर क्या करो? सर, अगर नकुल के साथ छेड़छाड़ की ना तो उसका ज्वालामुखी फट जाएगा, फिर क्या करोगे? कौन जिम्मेदार रहेगा बताइए? हाँ सर, सर साइकियाट्रिस्ट मोनिका ने भी तो कहा था कि अग्रेसिव बिहेवियर से उस पर अटैक आ सकता है। तो फिर? तो सर कुछ नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर मोनिका ने यह भी बोला था कि उसे घर जैसा माहौल चाहिए, तो क्या करें? उसे घर लेके जाएं, गोद में बिठा के रखें? हाँ, ये ठीक रहेगा। मतलब तुम उसे घर ले जाओगे? हाँ सर, घर ले जाना ही ठीक रहेगा। जबकि हमें मालूम है कि उसने खून किया है। मेरा मतलब है सर, जबकि हमें शक है कि
खून उसी ने किए होंगे। हाँ फिर भी। अरे वो तुम्हारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। सर मुझे कहाँ जिंदगी भर बिठा के रखना है उसे? अपना काम निकल जाएगा, उसे हॉस्पिटल भेज देंगे। सर देखिए, अगर उसे घर जैसा माहौल मिला ना तो वो शांत हो जाएगा, सारी बातें बता देगा। सर सर कुछ दिमाग घुमाग शांत नहीं होगा सर। आप देखना आपके घर में भी वो जमीन पॉलिश करता फिरेगा। चाहे वो कुछ भी पॉलिश करता रहे अभिजीत, बस एक सबूत दे दे, एक सबूत। देखो अब तुम सबूतों पे उतर आए हो, इसलिए मैं तुम्हें परमिशन देता हूं। अगर सबूत ना मिला और नकुल भी हाथ से निकल गया, देन मिस्टर प्रद्युमन यू आर आउट ऑफ सीआईडी, हमेशा हमेशा के लिए सीआईडी से बाहर। सर सर कुछ करना पड़ेगा बस। ठीक है लाश यहाँ पे थी और दूसरे? सर दूसरी लाश वहां ऊपर सीढ़ियों पे। अच्छा आंटी वहां पे थी। हाँ सर। और लड़की यहाँ पे, ये तुम दोनों खतरा मोल ले रहे हो, एसीपी को बिना बताए क्राइम सीन पे आ गए हो। आप हैं ना सर? हम तो हैं, मगर काम तो आप दोनों को उनके साथ ही करना है। खैर ये लाइट का स्विच कहाँ पे है? एक मिनट सर, मैं ऑन करता हूँ। आओ ना, आओ। ये किसका घर है सर? ये मेरा घर है। और वो फोटो? ये फोटो मेरे बेटे नकुल की है। आपके बेटे का नाम भी नकुल है? हाँ। कहाँ है वो सर? है यहीं कहीं आसपास। तुम यहीं पर रहोगे मेरे साथ, मेरे इस घर में, और जूनियर इंस्पेक्टर पंकज तुम्हारे साथ होगा। सर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बीमार हूं, मेरे दिमाग में कोई और चिपके बैठा है सर। क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पता नहीं लगता है सर, पर मुझे कुछ याद ही नहीं आता। चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने चाचा जी का खून नहीं किया सर। हम सब ये बात जानते हैं नकुल, और इसीलिए दया सर से बचा के तुम्हें हम यहाँ लाए। हाँ नकुल, देखो बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे बेटे नकुल जैसे हो, ठीक है? चलो तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, मेरे बेटे नकुल का ही कमरा है। अंकल यहाँ पे, लड़की वहां, आंटी वहां पे, तीनों को बचने का कोई चांस मिला ही नहीं। वो आदमी सोच के आया था कि तीनों के तीनों को मार के जाऊंगा। हाँ सर, चोरी डकैती का तो मामला है ही नहीं, खूनी ने जानबूझ के ये सब। एक मिनट, खूनी मतलब क्या? खूनी मतलब नकुल, नकुल सर, नकुल और कौन? मतलब नकुल के ऊपर एक अटैक आया और अटैक में उसने मार दिया सबको। क्या अटैक और कैसा अटैक सर? एसीपी साहब एक खूनी को बचाने पे तुले हुए। देखो जरा सोच समझ के बोलो, प्रद्युमन कभी ऐसा नहीं करेगा। तो फिर एसीपी साहब उसे अपने घर क्यों ले गए? मेरे हाथों से बचाने के लिए सर, और किस लिए? अरे उसके दिमाग में कोई स्कीम आई होगी, वो सच निकाल लेंगे। तो हम क्या मर गए थे सर? हम भी तो सच उगलवा लेते,
दिन रात का काम है हमारा ये। सच को दबा दिया गया है सर। किसने? और किसने? एसीपी साहब ने। देखो जब तक प्रूफ ना हो जबान नहीं खोलनी चाहिए, समझे? 16 साल से काम कर रहे हो उसके साथ में, इसीलिए तो सर ये कदम उठाना पड़ा। प्रूफ है? है सर। दिखाओ। इसमें है प्रूफ। ये लो। ओह माय गॉड। यस सर, ये है प्रूफ। ये तो ऐसा सबूत है कि सबके होश उड़ जाएंगे। हाँ सर, सर हम लोग यहीं पर थे, डॉक्टर सालों के यहाँ इस लाश के पास थे, और मैं यहाँ इस लाश के पास बैठा था, और मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो एसीपी साहब सर वहाँ पे थे, और वो अचानक नीचे झुके। फिर सर मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ से कुछ उठाया। दया, ये डिटेक्शन में और क्या करते हैं है? सबूत ये तो उठाते हैं ना, तुम लोग और क्या करते हो? हाँ सर, मगर वो सबूत है कहाँ? मिला नहीं? नहीं, और मेरे ख्याल से वही एक ऐसा सबूत है जिसके मिलते ये केस एकदम सॉल्व हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। चलो दिखाओ कौन दूध है कौन पानी है, दिखाओ। सर बेटा कहाँ है सर? कहाँ ना, है यहीं कहीं आसपास। वो क्या करते हैं? है उसका एक छोटा सा बिजनेस है, उसी सिलसिले में वो बाहर गया है। नकुल तुम्हें भूख नहीं लग रही है? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। देखा, पंकज को तो हमेशा भूख लगी रहती है। वैसे पंकज दिन में कितनी बार खाना खाते हो? सर मेरे डैड ने सिखाया था सर, खाने की कभी बेइज्जती मत करना। मैंने पूछा कितनी बार खाना खाते हो? सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं अपने पेट के साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ, जब जब मेरे पेट को भूख लगती है तब तब मैं खा लेता हूँ सर। देखा, पेट जबरदस्ती करती है तब ये खाना खाता है, ये खुद नहीं खाता। बहुत मजाक किया है ये सर। एसीपी साहब यहाँ खड़े थे सर, और वो ऐसे ऐसे झुके थे सर। यहां से उठा है? जी सर, अगर वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो एसीपी साहब उसे उठाते क्यों? वो तो हम लोग ये फोटो देख रहे थे, मेरी नजर इस पे पड़ी, ये देखिए इस फोटो में पूरा खून है, और इस फोटो में ये खाली जगह। मगर ये था क्या? वही तो सर, वही तो। अगर वो चीज हमें मिल जाए तो ये केस खत्म, एकदम फाइनल। मगर वो चीज है एसीपी साहब के पास। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.